तो हेलो मेरे भाई, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब। और ये रहेगा अनकट वीडियो, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबला, 5 ओवर का मैच खेलने वाले, अनकट वीडियो है। और भाई आज का मैच देख के क्या ही लगा, अफगानिस्तान जो हारी है टीम सेमीफाइनल, तो अभी हम लोग खेलने वाले सेकेंड सेमी सॉरी डायरेक्ट फाइनल मैच खेलने वाले दोस्तों। ये है प्लेइंग 11 एंड हियर वी गो। पिच बहुत ही बेहतरीन, टॉस उछाला जाएगा, नरेंद्र मोदी भाई है हमारे अंपायर और टॉस उछाला गया है। टीम जो है कैप्चा भाई का है और साउथ अफ्रीका टॉस जीतते हुए तो यहाँ पर बॉलिंग करने का फैसला, यानी कि पहली बैटिंग भाई चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि हार्डेस्ट पे है बैटिंग। चलिए देखते 5 ओवर का मैच में कितना ही रन दे पाते हम लोग। चलिए कॉट्जी जो है यहाँ पर बॉलिंग करते हुए, रोहित शर्मा बैटिंग पर, पहली गेंद बाहर से निकल गई ये गेंद, बिल्कुल खेलने का प्रयास जरूर था। डिफिकल्टी देख लो आप लोग, डिफिकल्टी डिफिकल्टी है लेजेंड, हार्डेस्ट 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 हार्डेस्ट। ये भी गो, पहली गेंद डॉट के साथ, रोहित शर्मा बैकफुट पे खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर जरूर है लेकिन फील्डर को चीरते हुए फुट में, जी हाँ दोस्तों बैकफुट में यहाँ पर चौका मार दिए, क्लासिक शॉट। Just need to keep it simple, line and length, round about. यानी कि दो बॉल पे जो है 4 रन हो चुका है मेरे भाई। एक और लेकिन अच्छे से कनेक्ट हुआ नहीं, क्या ये भी चौका जाएगा, नहीं चौका तो नहीं लेकिन 2 रन जरूर आएंगे, तेजी से बनना पड़ेगा। वैसे दोस्तों लाइव स्ट्रीम जो है 5:30 बजे से हम लोग करते हैं शाम को, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना अगर पहली बार देख रहे हो वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। ओए क्या ये वाइड बॉल देंगे, नहीं यार एटलीस्ट, जी बिल्कुल मोदी जी यहाँ पर वन बाउंस का इशारा देते हुए, 4 बॉल पे 6 रन हो चुका है। वैसे क्या लगता है दोस्तों, Misses everything. बग अभी यूज नहीं करना चाहेंगे, जो भी है फेयर खेलेंगे। वैसे 5 गेंद हो चुका है, 6 रन आ चुके हैं दोस्तों। ये अगर बैकफुट पे स्क्वायर कट खेलता तो थोड़ा सा हो सकता था। ये गैप पर बहुत ही बेहतरीन, अच्छी टाइमिंग के साथ 10 रन एक ओवर में, गुड नॉक, फैबुलस शॉट। 10 runs out of there. विराट कोहली 10 for none. End of the first and an exceptional start. डेविड मिलर, ये पता नहीं लाइनअप में, लाइनअप का कुछ तो है। डेविड मिलर यहाँ पर बॉलिंग करने आए। Does very well to quickly get across to this one. यहाँ पर बिल्कुल चोक करते हुए विराट कोहली। Oh, what a shot! Pull shot. लेकिन बचा लेंगे यार। अगर फील्डर नहीं होते तो पक्का चौका जाता। सिंगल के साथ रोहित शर्मा आ चुके हैं स्ट्राइक पे। तीसरी गेंद, ओए भाई 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 भाई, ये तो ग्लीच है भाई। वैसे करियर मोड का वीडियो अगर नहीं देखते हो तो जरूर से देखना। फुल टॉस गेंद उठा कर खेल दिया। रॉस सिमंस 6 रन देते हुए, gets onto the front foot and it's flown over the boundary. 8 गेंदों पर 16 रन हो चुके हैं। with a dot ball. कैच तो नहीं दे दिया। चलो 17 रन, नॉट बैड, 5 ओवर के हिसाब से ठीक है। वैसे अनकट वीडियो है, फाइनल का थोड़ा सा प्रेडिक्शन किए हम लोग। Smacks that away through the gap. लग तो रहा है जीत जाएंगे सेमीफाइनल, लेकिन अगर नहीं जीते तो प्रेडिक्शन समझो ये ड्रीम मैच है कि फाइनल खेल रही है टीम इंडिया। रबाडा तो 2 ओवर पे 21 रन और 3 ओवर बाकी है दोस्तों, आउट हो गया। साउथ अफ्रीका, लेकिन शायद अंपायर्स कॉल होगा, मोदी जी यहाँ पर आउट देते हुए। यार विराट कोहली, कोहली जी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? I'm not hearing anything on this. This could be trouble. क्या अंदर की तरफ आई थी ये गेंद? भाई ये तो अंपायर्स कॉल लग रहा है। Oh, this could spell trouble. नहीं, मिडिल स्टंप है, आउट है, आउट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पहला विकेट जाता हुआ टीम इंडिया का,
हाँ भाई देख लिया भाई। और क्या ही देख रहे हो, मोदी जी ने यहाँ पर आउट दे दिया। This goes down as a fail. Yeah, not the best of reviews there. Great call by the umpire though. अच्छी शॉट, ऊपर से जाएगी। ऋषभ पंत आए हैं वन डाउन। Outstanding shot. Saw it early. Not much width to play with. And drove it through the covers for four. तो 25 जो है स्कोर हुआ है यार। ड्रीम था कि 75 प्लस करूं पांच ओवर में, लेकिन देखते होता है कि नहीं। Punch down. इस प्रकार से खेलेंगे तो जरूर होगा। This is a masterclass of batting. Reads the length. मेरे भाई और बहनों, जरूर से लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। पहली बार आए हो तो ऋषभ पंत ऑन फायर, दो लगातार गेंदों पर चौका मार दिए। बैक फुट पे, क्या ये भी चौका? वैसे अनकट वीडियो है दोस्तों, डिफिकल्टी मैंने स्टार्टिंग पे ही दिखा दिया है। बहुत ही बढ़िया चौका मारते हुए। नहीं यार, ये मैं भी बैकफुट वाला बटन दबाया था, यहाँ पर दो विकेट गिर चुका है। मेरे को लगा था कि ये भी छोटी बॉल आएगी, ये गलत खेल दिया मैंने। वैसे दो विकेट गिरता हुआ, सूर्य कुमार यादव आएंगे। इस बार बैकफुट खेलना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, इस बार कीपर को हम एड़ा नहीं बनाएंगे, यानी पागल नहीं बनाएंगे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मार्को जेसन या 60 रन बनेगा लग रहा है मेरे को, 60 हो सकता है। भाई बैक फुट पे खेला था मैं। वैसे बहुत सारे बॉल जो है मिस हो चुके हैं। ओए, टाइमिंग अच्छी थी, गुड बॉलिंग थे, लेकिन ये भी मिस होता हुआ, बिल्कुल बाजू से गई। अरे यार, पिच में थोड़ा उछाल कम है। दो गेंद डॉट हो चुका है, अब तो फुल प्रयास होगा कि दो बॉल बाउंड्री पे जाए कुछ इस प्रकार से। ये और अच्छा टाइमिंग हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं यार। Caress that nicely through the gap to the boundary. ये भी चौका सामने की तरफ। चलो जो चाहता था वो तो मिला है। 41 रन हो चुके हैं, दो विकेट बिक रहा है, बाकी देखते हैं आगे। बॉलर नीड्स टू टाइटन अप अ बिट। रोहित शर्मा, ये तो भाई तोहफा मिला है हमें, तोहफा। ये गांव के खेत में चली गई पूरा। बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट, पंच अच्छा है बैट का, वो बता रहा हूँ। 144 मीटर, भाई हार्डेस्ट इजी लगने लगा है कभी कभी। देखो हार्डेस्ट में ये शॉट जा रहा है। वैसे 53 रन हो चुके हैं, अभी आखिरी ओवर है। बैकफुट वाले शॉट्स हार्डेस्ट में बहुत ही इजी जाता है, लेकिन आखिरी गेंद शम्जी, द लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स बॉलर हैज कम इन। यहां पर आए हैं सूर्य कुमार यादव। ओ भाई साहब, सूर्य कुमार यादव ने छह रन मार दिया। And 59 runs जो है हो चुके ऑलरेडी। ये बॉलर के हाथ, चलो कोई रन नहीं। गुड लेंथ और शॉर्ट बॉल को बैकफुट पे खेले अगर हार्ड एज पे अच्छा रन बनाना है तो। एक रन क्या मिलेगा? यस, मिस फील्डिंग हो चुकी है, एक रन मिलता हुआ, यानी कि अब भी मौका है रोहित शर्मा को। क्या शतक मार सकते हैं? 10 रन दूर, 3 बॉल बाकी है, या 3 बॉल पे शतक आएगा दोस्तों? आई थिंक नॉट आउट, नॉट आउट। मोदी जी नॉट आउट देते हुए, क्या ये रिव्यू लेंगे? नहीं लिए तो मेरे को क्या लगता है 60 रन बना रह जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 61 हुआ है, 70 का टारगेट सोचा था, लेकिन हो नहीं पाएगा यार। चलो कोई नहीं, हिटमैन जो है काफ़ी अच्छा खेलते हुए, लेकिन इस बार आखिरी गेंद सूर्य कुमार यादव के पास।
beats the cover fielder. Hey? Nice shot. ये क्या हुआ? South Africa. Hello? With a massive shout. अबे अबे. दोस्तों ये क्या ग्लिच है? बिग एंड का नया ग्लिच. ओ देखो कीपर के नीचे एक और बॉल. भाई अंडे दे रहा है क्या? An innings that promised much and really अरे रिव्यू तो अपील तो करने दे. हेलो. Pretty disappointing all round. And that's the end of the भाई ये क्या हो गया दोस्तों? लाइव स्ट्रीम पे ग्लिच हो रहा है. मतलब लाइव कर रहा हूँ, अनकट वीडियो है ये. देखो दोस्तों ये कौन से एंगल से आउट है दोस्तों? कौन से एंगल से? अरे हिट विकेट हो गया क्या? नहीं हिट विकेट भी नहीं हुआ. चौका जा रहा था भाई, जाने भी नहीं दिया पूरा. अरे चौका भी गया है तो आउट किस बात का? हेलो मुझे बताओ यार, कोई वीडियो देख रहा है तो. I reckon this is a respectable total. If the bowlers can get firing and get some early wickets. तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं, लेकिन पहली गेंद जो है हम लोग अर्शदीप सिंह को देने वाले. Singh coming in. And ooh, nice ball. Massive outside edge. 62 रन का टारगेट है दोस्तों अभी, यानी कि चाहिए 29 बॉल पे 61 रन. Great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build. बर्गर खेलते हुए साइड खेलने का प्रयास. फील्डर थोड़े से दूर. क्या दो रन पे तब्दील करेंगे इसे? नो नो, दो रन हो चुके हैं दो बॉल पे. लेकिन यार अब भी खराब लग रहा है, वो लास्ट का चार रन था भाई. फाइंड्स द फील्डर विद दैट शॉट. ये अच्छा शॉट खेला है. खराब गेंद था, लेग साइड पे फुल खुला. एंड चार रन मिल चुके हैं. क्विंटल डिकॉक वंडरफुल फ्रंट फुट शॉट. चौका मारते हुए. हाउ विल द बॉलर रिस्पोंड? ये भी अंदरूनी किनारा और इसे तो बस देखते ही रह जाएंगे. कोई मौका नहीं भागने का. Do they go full? Do they that go bowling short? अच्छी हो रही है, लेकिन एज लग रहा है काफी ज्यादा. एक और एज. Unplayable. 11 runs added there. South Africa. So एक ओवर से 11 रन. अब तो बुमराह जी को लेना ही पड़ेगा विकेट. चलिए बुमराह जी एक विकेट दे दो, हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं. क्या ही विकेट मिला है दोस्तों, बेहतरीन. यहाँ पर डिकॉक को जाना होगा, कोई मतलब नहीं डिस्कशन करके. एंड मोदी जी ने उंगली उठाया, यानी कि आउट. व्हाट अ विकेट. What a crucial breakthrough this is. तो कैसा लगा यार? अब भी लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना. लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना. दूसरी गेंद. नहीं इस बार तो चौका जाएगा, कोई मौका नहीं. ओनली चौका, नो मौका. मोदी जी चौका देते हुए. 22 पे चाहिए 47. फाइनल मुकाबला है हमारे 5 ओवर का भाई, अपने एडिशन का फाइनल है. गुड वन. काफी अच्छे खेले लेग साइड की तरफ. अभी तो फिलहाल सिंगल और डबल पे ही आ रहे हैं रन्स. 20 बॉल्स पे 45 रन्स चाहिए. तो एक और. बुमराह जी हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं. बोल रहे अब तो नहीं, अब तो थोड़ा चौका खाऊंगा मैं. Well, you can't fault that shot. Nicely played and it was 4 runs all the way. What if बुमराह कटर बॉल डालेगा मार्करम को तो क्या आउट होने वाले हैं? Brilliant diving. काफी अच्छी डाइविंग. End of the over. दो ओवर पे 21 रन, यानी कि भाई बहुत टक्कर का मुकाबला है. अक्सर पटेल को बुलाते बापू. बुलाने से पहले फील्डिंग में कुछ बदलाव. Some changes made to the field here, going more aggressive.
ये अच्छी शॉट और अच्छी फील्डिंग भी। टॉप स्पिन करेंगे वो भी शॉर्ट बॉल पे। तो यहाँ पर कैच आता हुआ। फाइनली अक्षर पटेल ने दूसरी बॉल पर कैच ले लिया। सुपर कैच। एंड अक्षर पटेल जब भी आते अक्सर विकेट ही लेते दोस्तों। बहुत ही मस्त गेम प्ले शूट हो रहा है, वो भी अनकट शॉट। थोड़ा सा यूनिक था, बैक फुट पे खेलने का प्रयास, लेकिन विराट कोहली थे। बर्गर इज आउट, लेकिन भाई हेनरिच क्लासन खतरनाक है भाई, खतरनाक। देखो ओए गैप पर चौका मार दिया। That was a solid shot, really well played. तो यहाँ पर हेनरिच क्लासन जो है आते ही great shot off the back foot. Yeah, it can be very disheartening seeing good delivery smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. ए नीचे फील्डर जरूर, एक और कैच का मौका अर्शदीप सिंह को मिलेगा। एंड फाइनली हेनरिच क्लासन भी रियलिस्टिक खेलते हुए T20 वर्ल्ड कप 2024 के जैसे आउट हो चुके। बहुत ही बढ़िया, अक्षर पटेल ने काफी बड़ा विकेट लिया है और टीम इंडिया का बहुत ही मदद करते हुए। They did the hard work and threw it away in the end. ये तो एक ही रन मिलेगा। चलो काफी अच्छा रहा, लेकिन भाई 37 रन चाहिए 14 बॉल पे। मौका तो है अब भी जीतने का। Lovely cover drive. खेले अर्शदीप सिंह है वहां पर। ओवर की समाप्ति। तो 27 रन आए, मतलब रन वैसे ही आए लेकिन विकेट्स दो गिरे। तो किसे लाए भाई, कुलदीप यादव को लाते हैं। कुलदीप यादव जी विकेट निकालिए जी। ओए घुमाकर खेले, लेकिन इस बार तो 6 रन जाएगा दोस्तों। मार्करम कप्तान जो है थोड़ा रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए। अरे भाई फील्डिंग में बदलाव करना पड़ेगा, अगर इस प्रकार खेलेंगे तो भाई हो गया। क्योंकि टीम इंडिया को कैसे भी जिताना है और हम खेल रहे हार्डेस्ट पे। आपको पता ही है ऊपर से कस्टम स्टेडियम है। क्या इस बार विकेट है? अच्छा हुआ भाई यहाँ पर फील्डिंग चेंज किया। कुलदीप यादव ने भी यहाँ पर विकेट निकाल लिया। यार व्हाट अ विकेट, स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास था। जसप्रीत बुमराह लाजवाब विकेट भाई। मैं भी ऐसे खुश हो रहा हूँ भाई। नहीं फील्डर है, कोई रन नहीं। अच्छा हुआ भाई मिस फील्ड नहीं हुआ। सो चाहिए 8 पे 25 रन, लेकिन शायद से साउथ अफ्रीका बना देगी। सामने देखो कौन है बैट्समैन, लेकिन काफी अच्छा टर्न होता हुआ। बस एक लास्ट बॉल कैसे भी गुजार ले भाई। शॉर्ट बॉल पे गुगली करेंगे हम। गुगली ए मिसफील्ड नहीं यार, शिट चौका जाता हुआ। यहाँ पर जीत के लिए बहुत ही ज्यादा क्लोज डेविड मिलर आए हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या आए दोस्तों। हार्दिक पांड्या 6 गेंदों पर क्या 20 रन देंगे? नहीं देना चाहिए भाई। अरे यार ये तो 6 रन है गाइस। 5 बॉल पे जो है अंदरूनी किनारा, वापस चौका। भाई तो इंटेंस मैच हो रहा है, थोड़ा टेंशन भी आ रहा है मुझे, क्योंकि 4 बॉल पे चाहिए 10 रन। ये स्ट्रेट ड्राइव फील्डर के हाथ, भाई मिस फील्ड मत कर प्लीज प्लीज। 3 बॉल पे 10 चाहिए दोस्तों। आई थिंक 4 बॉल पे, नहीं 3 बॉल पे। ओके दे रियली नीड अ बाउंड्री दिस बॉल भाई। नो कमेंटेटर उसकी एक्स है क्या, तारीफ कर रही है, बाउंड्री चाहिए। तो 9 रन चाहिए 2 बॉल पे दोस्तों। ओ फाइनली यहां पर हार्दिक पांड्या ने 3 यॉर्कर लगातार डाल के टीम इंडिया को दोस्तों
जीता दिया मान लो, ये भले 6 चला जाए लेकिन मैं तो खुश रहूंगा। क्या ये विकेट है? But it drops safely. The bowler looks really confident. भाई लगा किधर, लेकिन चलो एक चैलेंज ले लेते हैं। रोहित शर्मा चैलेंज लेते हुए। Now I didn't pick up on anything there. मैं लगा किधर है लेकिन। Very close to the bat though. Was there a bat on it? Fielders think there was. This could be trouble. चलो कोई नहीं। टीम इंडिया यहां पर जीतते हुए दोस्तों, ये है हमारा प्रेडिक्शन फाइनल मैच का वीडियो। इसी के साथ 8 रन से जो है टीम इंडिया जीत चुकी है। तो आपको क्या लगता है, अगर फाइनल पहुंचती है टीम इंडिया तो फाइनल जीत पाएगी? जरूर से कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।